मुरादाबाद के दिल्ली रोड पर क्यों हुआ हंगामा? जिगर कॉलोनी में रहने वाली एक फैमिली ने एक अस्पताल पर लगाया गंभीर आरोप। पिंकी नाम की महिला की हुई इस अस्पताल में मृत्यु, परिवार वालों ने लगाए गंभीर आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस, पूरा अमला। मुरादाबाद के सिविल लाइन सर्किट हाउस के सामने इंदिरा आईएफ हॉस्पिटल का है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से डॉक्टर के सामने परिवार के लोग अपनी दुख भरी कहानी बयान कर रहे हैं। वहीं देर रात सिविल लाइन थाने में दी गई तहरीर। अब जांच के बाद ही पता चलेगा सत्य क्या है। अगर बुखार में तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करता, 16 साल तक नहीं ट्रीटमेंट करता बुखार में तो कोई वो भी नहीं लगा सकता। जाते होंगे आप सबका इलाज करते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। आपके पास भी इसकी वो है, आपने इसको पहले ये देखा कि इसको बुखार है, कितनी पल्स है, कितनी नहीं है, कितनी इसकी प्लेट है। आप झूठे देखो उसको। आप जैसे यहाँ से लेके गए क्या? मतलब यहाँ से जब लेके गए होश ही नहीं आ रहा था। उन्होंने बोतलें चढ़ाई, 2-3 बोतलें चढ़ाई बड़ी तेजाई से उन्होंने, और पूरे हाथ में बताओ। इन्होंने कहा घर ले जाओ। मैं बोला मैडम इन्हें होश तो आ ही नहीं रहा। नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। जाते जाते रास्ते में हाथ पैर ठीक है। अंडा ऑपरेशन करने से निकालोगे तभी 1 घंटा बाद होश आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, सुबह 9:30-10 बजे बुला लिया था और शाम को 6 बजे गए, जब होश ही नहीं आया। और आपने कह दिया कि घर ले जाओ, ऐसे कैसे ले जा दिया? रखने की जगह तो होगी, बैग वगैरह तो होगा, क्या आराम कर पाओगे यहाँ पे? हम देखते हैं बाद में क्या होता है। मरीज को आपको वापस ही नहीं भेजना चाहिए था। कहते कि हम और इंजेक्शन लगाएंगे, दवाई लगाएंगे, कब भेजते आप लोग? जान बुझ के तो हम भी यहाँ नहीं आए ना। अरे मैडम मेरठ वाले ही तो आए थे, मेरठ वालों ने किया। पहले हम कुछ नहीं जानते, हमारी बेटी चाहिए बस। कैसे की चाहिए? तीन 4 लाख रुपए जमा करे होंगे और जब क्या क्या जमा कर इलाज कराना है। अरे 1 महीने से इलाज चल रहा है भैया, इन कंडीशन हालत का तो लाए नहीं थे आपके पास। आपको तो इसकी कितना ब्लड है, कितनी शुगर है, कितना बीपी है, सब कुछ का पता रहता है। कोई ऐसी घरेलू तो लड़की है नहीं, सर्विस करती है वो भी। सरकारी विभाग में है क्या नाम है आपका? कविता। मैम आज क्या मामला हुआ है, क्या घटना हुई है? एक घटना हुई थी, ये दोनों जनों को बुलाया गया था। इन्होंने सारी रिपोर्टें बुखार उखार की करा रखी थी। डॉक्टर साहब को इन्होंने रिपोर्टें दिखाई, सब बताया कि ये कंडीशन है। उन्होंने क्या लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बजे से इनको 6 बजे तक यहीं रखा गया। क्या परेशानी थी उनको? उनका IVF का इलाज चल रहा था बच्चों का, यहाँ से 1 महीने से चल रहा था। अच्छा, कौन सा हॉस्पिटल में लाए थे आप? ये इंदिरा IVF। कहाँ पर है ये? सर्किट हाउस के सामने। सर्किट हाउस के सामने। तो आपने तहरीर वहरी दी? आपने अभी अब चल रही है तहरीर दे रहे हैं। परिवार के लोग अब आए हैं, जमा हुए हैं हमारे घर के बड़े सब। क्या चाहते हैं? मैं उसकी जिठानी हूँ, वो मेरी देवरानी थी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं इनके खिलाफ कानून हो। जो हमारे बच्चे के साथ हुआ वो और किसी बच्चे के साथ नहीं हो। तो किस समय मृत्यु हो गई थी? 6 बजे। इन्होंने कंडीशन इतनी खराब थी कि ये जान चुके थे कि इसके अंदर कुछ नहीं है। इन्होंने कहा कि इसको व्हीलचेयर पे डाल के भेजा कि इसको लेके जाओ। आपकी कौन? मेरी देवरानी। देवरानी नाम है आपका? मेरा नाम शिवम सक्सेना है जी। शिवम जी, आज ही हमने देखा कि मैं प्रशासन भी है, क्या मामला है पूरा? एक्चुअली भैया यहाँ पर जो है इलाज चल रहा था इनका, बच्चों का, बच्चे नहीं हो रहे थे काफ़ी टाइम से, उसका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान इनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई है। आज सुबह 10 बजे से लोग यहाँ थे, शाम 6 बजे इनको जब यहाँ से इनकी डेथ हो गई है, उसके बाद यहाँ से है ना ये लोग तो अपना क्लिनिक बंद करके जा चुके थे। तो क्या समस्या थी, क्या परेशानी थी उनको? परेशानी तो कुछ भी नहीं थी, बस उनका यहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा था। ये ट्रीटमेंट कब से चल रहा था? कम से कम 1 महीना हो गया ये भाई। तो क्या चाहते हैं आप?
हमारी तो है ना कार्रवाई की डिमांड है भैया, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि प्रार्थी को क्या नाम है न्याय मिल सके। तो आपने तहरीर वहरीर दी अभी? तहरीर दे रहे हैं भैया। दे दी। कौन है आप जी? आपकी कौन है? हमारे साले साहब की वाइफ है। साले साहब की क्या चाहते हैं और आप? भैया बस यही हमारी है ना प्रशासन से निवेदन है कि उक्त जांच की जाए और क्या नाम है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कितने समय आपको पता चला कि क्या मृत्यु हो गई है? हमें भैया 6 बजे लोग यहाँ से निकले हैं, उसी टाइम हमें है ना इन्होंने फ़ोन कर दिया था, बोले इनकी डेथ हो गई। कौन सा हॉस्पिटल है यहाँ से? ये इंदिरा IVF है। ये कहाँ पर है? सर्किट हाउस दिल्ली रोड मुरादाबाद। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार नाम है। क्या हुआ, क्या हुआ आपके परिवार में इतना होना हो रहा है, क्या हुआ? 2 दिन से मेरी वाइफ को फीवर वगैरह आया था, तो उनके लीवर में इन्फेक्शन वगैरह हो गया था, यहाँ से इलाज चल रहा था। कहाँ से, किस जगह से? इंदिरा IVF से। कहाँ पर है ये? ऊपर है। कौन सा इलाका है? दिल्ली है, दिल्ली रोड पे सर्किट हाउस के साथ। अच्छा फिर क्या हुआ? तो इनके पेट में इंजेक्शन वगैरह लग रहे थे दवाई, तो उससे जो है ना इनके लीवर पे सूजन भी आ गई, तो मैंने जांच करवाई रिपोर्ट, तो उसमें इन्फेक्शन आया, तो मैंने इन डॉक्टर साहब से कहा इन्फेक्शन वगैरह है, तो ये बोले चलो ठीक हो जाएगा। तो इन्होंने सुबह 10 बजे बुलाया, उसके बाद में इन्होंने एक ऑपरेशन करा और इंजेक्शन लगाया नशे का, उसके बाद यहाँ से होश नहीं आया उसे, उसके बाद यहाँ इन्होंने बोतलें चढ़ाई, क्या करा शाम को मुझे मार के भेज दिया मेरी वाइफ को, और बेहोश थी वो। मार के मतलब वो खत्म हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, बिल्कुल होश नहीं थी, ऐसे थी। और जब यहाँ से लेके गए तो ये तुम्हारा साईं नितिन पत्रा में ले गए, उन्होंने कहा था ये तो खत्म हो गई जहाँ से तुम लाए हो, और फिर साईं में ले गए उन्होंने। यहाँ तक खत्म हो चुकी है। अब आपकी डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई होगी, तो क्या कहना है डॉक्टर साहब का? पुलिस वगैरह खड़ी है, सब कुछ खड़ा, किस वजह से, क्या वजह रही है? ये इन्फेक्शन था इनके पेट में, उसके बाद भी इन्होंने ऑपरेशन कर दिया, बुखार में प्लेटें भी कम थी, उसके बाद इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। इस चक्कर में मेरी वाइफ एक्सपायर। अब क्या चाहते हैं? अब मैं चाहता हूँ कि इन पर कानूनी कार्रवाई। तैयारी वगैरह दी आपने? तहरीर वगैरह तैयार हो रही है अभी।